मूर्तियाँ इसलिए नहीं पूजी जाती कि उसमें देवता बसते हैं, बल्कि इसलिए पूजी जाती है कि उसने तराशने के दर्द को सहा होता है। आज उनका वह परिश्रम सफल हुआ और मेरा ये सौभाग्य मानते हुए कि वे इस मंच पर हैं और उनके सम्मुख कुछ कहने की हिम्मत कर पा रही हूँ, और मैं विषय मेरा बहुत विस्तृत है, इसलिए मैं विषय को संक्षिप्त करते हुए उपसंहार की ओर जाने का अनुमति चाहते हुए कुछ पंक्तियों को मैं अपने सामने रखना चाहूँगी। दक्षिणी हिंदी सूफी साहित्य में हिंदी तथा भारतीय साहित्य की वे सारी परंपराएं सुरक्षित हैं तथा इन भारतीय परंपरा का विदेशी परंपराओं के साथ सुंदर संयोग हुआ है। हिंदी में शोक गीत लिखने की परंपरा आधुनिक मानी जाती है, किंतु दक्षिणी हिंदी के सूफी कवि शेख बुरानुद्दीन जानम ने अपने पिता मीरांजी को दक्षिणी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जो माने जाते हैं, उनके निधन पर शोक गीत लिखा है, जिसे हिंदी का पहला मरसिया या शोक गीत माना कहा जाता है। यह हिंदी का पहला सर्वप्रथम शोक गीत के गौरव को प्राप्त है। इन कवियों के शोक गीत साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि के माने गए हैं। भारतीय संगीत को भी दक्षिणी हिंदी सूफी कवियों की देन अविस्मरणीय मानी गई है। सूफियों में समा अथवा संगीत सभा का विशेष महत्व है। विशेषकर माना जाता है कि चिश्ती परंपरा के सूफी संतों ने भारतीय संगीत को और समृद्ध किया है। स्वयं ख्वाजा बंदे नवाज जी ने दक्षिणी भाषा में गेय गीत लिखे हैं। जानम ने भी विविध रागों में अनेक गीत लिखे हैं। दक्षिण में सूफी मत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मीरांजी तथा उनके पुत्र जानम को जाता है। मीरांजी ने दक्षिण हिंदी को अपने विचारों का माध्यम बनाया। उन्होंने हिंदी में लिखने का अपना उद्देश्य बताते हुए कहा है, वे अरबी बोल न जाने न फारसी पछाने, यूं देखत हिंदी बोल मानी है नपतोल। काजी मोहम्मद बहरी, कुतुबुद्दीन कादरी, फिरोज बिदरी, शेख अशरफ अब्दुल वजही सूफी के श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। अनेक गजल संग्रह भी इन्होंने लिखे हैं। गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में यह साहित्य सक्रिय चलता रहा है। हिंदी साहित्य जगत सदैव दक्षिणी हिंदी साहित्यकारों का ऋणी रहेगा। अंत में कहना चाहूँगी कि दक्षिणी हिंदी न उर्दू वालों की बपोती है न हिंदी वालों की, यह तो हमारे भारतीय संस्कृति की धरोहर है। और आज इस विषय पर विद्वज्जनों ने अपने विचारों को रखा है। दक्षिणी हिंदी से मेरा संबंध सीधे नहीं है, लेकिन आज भी हमारी सास ख्वाजा बंदा नवाज के दरगाह पर मलिदा और खिचड़ी के नैवेद्य को चढ़ाती है। मैं समझती हूँ ये जो मतभेद, वैचारिक मतभेद होते हैं, वो बुद्धिजीवियों में भी होते हैं, अनपढ़ लोगों में, अशिक्षितों में शायद इस तरह के मतभेद दिखाई नहीं देते। और हम इस मंच के माध्यम से मैं विद्वानजनों का आशीर्वाद चाहते हुए अब अगले अपने जीवन में इसके ऊपर कुछ काम करने का आपका आदेश और आशीर्वाद चाहती हूँ। और बहुत ही कम समय में, शायद टूटी फूटी मेरी हिंदी में, क्योंकि बिल्कुल मेरा समय नहीं था और कल से मेरे अंदर कश्मकश चल रहा था कि मैं अपने प्रपत्र को प्रस्तुत करूं या न करूं, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान यहां पर बैठे हैं, इनके सामने मैं बोलूंगी तो शायद मेरी जबान तोतली होगी। आप सबका धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हैं। डॉक्टर पांचाल जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम लोगों के सामने, जाहिर है समय की सीमा डॉक्टर से मैं नहीं कह रही, खुद ही समझदार है वो, तो मैंने निवेदन किया था मैं ज्यादा संबोधन भी नहीं करूंगा। आज की इस महत्वपूर्ण गोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर अलीम साहब और प्रोफेसर कुंज मेहतर जी और डॉक्टर शुक्ला जी, आशिक अली जी और कुछ लोग चले गए हैं सामने,
जो बैठे हुए हैं हमारे अवस्थी जी हैं, रमन जी हैं, और एक और बहुत दूर गोवा चले गए हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जिस निष्ठा या जिस तन्मयता के साथ में श्रोता सुन रहे हैं और वक्ता अपने उस उत्साह में कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं, ये इस गोष्ठी की सबसे बड़ी सफलता है। ऐसी अभी तक मैंने दक्षिणी पर कोई गोष्ठी सफल नहीं देखी। इसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय को, जो कि हमारे देश के एक बहुत बड़े सामाजिक संस्कृति के रहनुमा, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर ये उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, उसने जो ये गोष्ठी आयोजित की है, विशेष रूप से मैं हिंदी विभाग को इसके लिए धन्यवाद साधुवाद देता हूँ, और कच्ची मणि जी को, जो कि हैं या नहीं हैं, बैठे हैं, उन्होंने पूरी तरह से एक एक कदम पर इसको सफल बनाने में अपना सहयोग और योगदान दिया है। निश्चय ही वे बधाई के पात्र हैं। इस प्रकार की एक पहली गोष्ठी अब से 20 साल पहले केरल विश्वविद्यालय में हुई। मैं समझता हूँ कि दक्षिणी पर, दक्षिणी हिंदी पर एक किस्म से, उर्दू वाले तो करते रहते हैं, कुंज मेहतर जी उसके संयोजक थे और विश्वनाथ अय्यर थे। बहुत सफल गोष्ठी रही। उसके बाद में दूसरी हैदराबाद में एक गोष्ठी हुई यहाँ पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की तरफ से, और तीसरी मैं समझ रहा हूँ कि ये आज की उसकी एक अपनी चरम उस पर है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से इस दक्कन के क्षेत्र में दक्कनी का जो आज बोलबाला है और जो ये बात उठाई जा रही है, मैं कहूँ कि नाला क्यों मेरा इस जोर से दुआही देता, ए फलक गढ़ तुझे ऊंचा ने सुनाई देता। अगर हिंदी वालों को ऊंचा न सुनाई देता तो आज ये आवाज़ लगाने की हमें ये ज़रूरत न पड़ती। काश के उनको सद्बुद्धि दे और वो समझें कि दक्षिणी हिंदी जिस तरीके से हिंदी को कामयाब बनाने में, हिंदी को हिंदी बनाने में इसका योगदान रहा है, वो कम नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति की बात आई, हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिंदी एक सामाजिक संस्कृति को आगे बढ़ाएगी। उस दिशा में अब ये जो यहाँ के हिंदी विभाग ने इसको आयोजित किया है, आरंभ से ही मैं देखता हूँ कि हिंदी सामाजिक संस्कृति का और हिंदू मुस्लिम संस्कृति का, गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रही है। आरंभ से ही ले लीजिए अब्दुल रहमान से चल करके, उससे भी पहले साद इब्ने, जो जिनका अमीर खुसरो ने भी जिक्र किया है, चलते चलते अमीर खुसरो इसको हिंदी और हिंदवी कहते हैं, और वो तो यहाँ तक कहते हैं हिंदवी बूदस दरैया में कोहन, प्राचीन काल से ही हिंदी यहाँ पर रही है हिंदी। तो ये हिंदवी जो है, जब ये इधर उधर जाती है तो अपना थोड़ा लबादे पर उस पर वो पहन लेती है, अंदर से इसकी आत्मा पूरी उसमें हिंदी। जब ये हिंदी आगे चली गुजरात में गई, गुजरी कहलाई, जब ये दक्कन में आई तो दक्कनी कही, और इधर उधर जहाँ कहीं मद्रास गई मद्रासी हिंदी, बम्बई या हिंदी। तो हिंदी ये सब जगह पूरे भारत में घूमती है। इसको आप किसी भी लिपि में लिखें, जैसा कि अभी बताया गया कि केरल में जो है मलयालम में, वहाँ ताड़पत्र पर हिंदी है, और यहाँ पर वो जो एक आपके तेलुगु में, तेलुगु में हिंदी में लिखा गया है, उन्होंने नाटक लिखे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फारसी लिपि में लिखी गई है या वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ये हिंदी है, और हिंदी के, जब हम पूरे व्यापक भारत में हिंदी की बात करते हैं
तो मैं हिंदी के तीन स्कूल मानता हूँ। एक जिसको के इलाहाबाद, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजकल मान्यता दी गई, इलाहाबाद को स्कूल एक माना जाता है मानक, दूसरा दिल्ली है और तीसरा हैदराबाद है। तो हैदराबाद का स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो परिनिष्ठित हिंदी आज हमारे संविधान में है और जिसको पूरे देश ने हिंदी का एक रूप खड़ी बोली का माना है, उसका आरंभिक विकास दक्कन में हुआ। तो दक्कनी हिंदी या दक्कनी की जो यहाँ पर इसको वो मिली है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो दक्कनी के बगैर हिंदी साहित्य के इतिहास को नहीं लिखा जा सकता। दक्कनी के बगैर भाषा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता आज की खड़ी बोली का। तो खड़ी बोली जिसका विकास दक्षिण में हुआ, अभी एक बात आ रही थी कि इसको भारतेंदु काल से मानते हैं कि आज की जो हिंदी है खड़ी बोली का विकास भारतेंदु के काल से, इसके बाद में इससे पहले कहाँ गई। जब अमीर खुसरो उसमें प्रयोग कर रहे थे खड़ी बोली का, तो फिर ये एकदम से भारतेंदु के काल तक किस तरीके से साहित्यिक भाषा बनने में क्षमता प्राप्त कर सके, ये नहीं हो सकता। ये 10-20 साल की बात नहीं होती है, वर्षों लगते हैं। तो इसको विकसित होने में जो समय हमारे पास नहीं है, वो सब दक्कन में था, उसको हिंदी वाले भूल गए, उन्होंने उसको देखा ही नहीं। क्यों? कि वो फारसी लिपि में साहित्य था। और यही नहीं, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज से अगर हम थोड़ा पहले चलें, निज़ामुद्दीन औलिया, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो ने खड़ी बोली साहित्य को फैलाया। निज़ामुद्दीन औलिया के एक शिष्य जूना शाह, वो चले गए अवध में, और वहाँ पर जो चंदायन लिखी गई, चंदायन मौलाना दाऊद नहीं, अब मुल्ला नहीं है, मौलाना उसके लिए अब ये खोज की गई है, मौलाना है, मौलाना दाऊद ने चंदायन लिखी। तो अवधि में भी जो मुस्लिम साहित्यकारों ने योगदान दिया, वो भी एक हमारी, ये भी एक अछूता, और वो भी फारसी लिपि में लिखा गया पूरा का पूरा, वो आज हिंदी की कड़ी है। इसी तरीके से ये कड़ी जो अछूती रही, इसके निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, चिराग दिल्ली उनके शिष्य ये जो आपके ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज आकर के जब गुलबर्गा आए, तो इन्होंने यहाँ पर फैलाया। तो दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, गुजरात में गए, तो ये सब जितनी हिंदी को फैलाया गया है, ये हिंदी फैलाने का सारा श्रेय भारत के मुसलमानों को है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने हमारे पूरे वांग्मय में भारत में कहीं भी हिंदी शब्द नहीं मिलता, हम इसको भाषा भाका कहते रहे, देसी भाषा है भाषा, इन्होंने आकर के इसको हिंदी कहा, हिंदी स्वीकार किया गया, क्योंकि यहाँ सिंधु को हिंदूकार, हिंदू पार के लोगों को यहाँ को सबको हिंदूकार, उनकी भाषा को हिंदुवी कहा, और हिंदुवी जो है वो हिंदवी हो गया, जो फारसी में दोनों ही तरह से पढ़ा जाता है, तो हिंदवी से हिंदी हुआ। तो इस तरीके से जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, सामाजिक संस्कृति हमारी देश की के जीवन आधार है, और उसी के चूँकि प्रतिनिधित्व करती है राष्ट्रभाषा, हमारी देश को जो मिलाने वाली एक भाषा, जिसको गांधी जी ने राष्ट्रभाषा कहा था। हमारे देश में भाषाएं कई हैं, ये बहुभाषी देश है, और मुझे ये कहते हुए भी कोई गिलानी नहीं है कि भारत में हिंदी से अधिक प्राचीन और समृद्ध कई भाषाएं हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी को इसलिए चुना कि हिंदी पूरे देश को मिलाती है। जो और भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, प्राचीन है, बहुत समृद्ध साहित्य है, संस्कृत से भी, तो वे एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती थी, तो इसकी आवश्यकता थी, ये पहले से। तो उन्होंने
हिंदी को राष्ट्र को जोड़ने वाली भाषा के रूप में राष्ट्रभाषा, बेशक इसमें इतना साहित्य नहीं था, उसको बनाया। तो राष्ट्रभाषा के विकास के लिए जो संविधान में 351 और 343 धारा दी गई है, उसके अनुकूल चलने से ही यह राष्ट्रभाषा होगी। आज जो संकीर्णता का लबादा पहन करके इसका विकास, जिन्होंने इतिहास लिखा है, या शुक्ल जी का भी बात जिक्र आया, और कई, एक क्या नाम उनका, बच्चन सिंह का मैंने इतिहास नहीं देखा, लेकिन इस गलती को सुधार दिया गया। अभी हिंदी साहित्य सम्मेलन से हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ है, उसमें दक्खिनी का पूरा एक चैप्टर है, वो मेरे कहने से विजेंद्र स्नातक जी उसके वो हैं, उन्होंने उसमें जोड़ दिया वो जूं के तू शब्द उसमें। तो ये एक अचीवमेंट आप लोगों का है कि देर आयद दुरुस्त आयद, उसको पहचानने लगे हैं कि दक्खिनी के बगैर हमारा योगदान पूरा नहीं हो सकेगा। तो मैं चूँकि ये देश को जोड़ने वाली बात है, मैं शेख सादी का एक और वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम बराए वसल करदन आमदी, ना बराए फसल करदन आमदी, हम जोड़ने के लिए आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। तो ये भाषा जोड़ने के लिए है, दक्कनी और हिंदी चूँकि एक ही भाषा है, अब दक्कन की वजह से उसका नाम दक्कनी कहें, बात एक ही है, और उसी का एक रूप उर्दू है। उर्दू को, उर्दू मुराद हिंदी अस्त, मुसैफी ने कहा है, तो दोनों एक ही बात हैं, उसको उसकी वजह से अलग पहचान है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमचंद उर्दू में भी लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे, मैं उर्दू में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, कोई अंतर कुछ नहीं है, ये दोनों एक ही भाषा है, और जहाँ उर्दू गई वहाँ हिंदी स्वतः ही चली गई। आज जो हमें यहाँ हिंदी का माहौल दिखाई दे रहा है, वो इसी कारण से है कि दक्कनी की वजह से यहाँ पर फैल गई, तो आज ये पूरे साउथ में नहीं तो यहाँ हिंदी नहीं होती। तो उसी योगदान को, उस प्राचीन, उस ऐतिहासिक सत्य को बरकरार रखते हुए आगे चलाते हुए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम दक्कनी को, जो साहित्य पढ़ा है, जो उपेक्षित पढ़ा है, उसको लाइमलाइट में लाएं। और वो कैसे होगा, उसके लिए चूंकि ये फारसी लिपि में है, जब तक हम इसे उपलब्ध नहीं कराएंगे, इसका लिप्यंतरण न कर लें, इसका ट्रांसलिट्रेशन देवनागरी में अगर हम करते हैं, तो ये उपलब्ध हो जाएगा पूरे हिंदी साहित्य के, बल्कि पूरे भारतीय साहित्य के लिए ही। तो ये काम एक बहुत ज़रूरी है, इसमें कम प्रयास हुआ, थोड़ा सा कुछ काम हुआ था, थोड़ा मैंने वहाँ पर साहित्य अकादमी में चूँक रहा, मुझे मालूम था, तो लोगों ने कहा, केदारनाथ सिंह ने ही कहा बल्कि, कि ये काम आप ही कर सकते हैं। मैंने कहा मैं क्या करता हूँ, तो करने को तो बहुत हैं, लेकिन चलो मैं ही स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को, तो ये कुछ काम हो गया। दूसरी बात, मैंने वहाँ कही साहित्य अकादमी में, साहित्य अकादमी में मेरी इन्हीं लोगों से 5 साल जद्दोजहद में गुजर गई, कि हिंदी के कद को छोटा न किया जाए। आज ये भी बात आई, हिंदी अपनी बोलियों उपभाषाओं का समष्टि रूप है, हिंदी की यही परिभाषा है। हिंदी जो है सबको लेकर के साथ चलती है, और इन बोलियों का साहित्य ही हिंदी का साहित्य है, हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो अब ये जो बात कही के काट रहे हैं वहाँ से, उसको मैथिली को भी काट दिया है, राजस्थानी की बात है, साहित्य अकादमी इस दिशा में ज़्यादा अग्रसर है, साहित्य अकादमी ने राजस्थानी को भी मान्यता दी हुई है। और सबसे बड़ी लड़ाई मेरी जो उनसे रही साहित्य अकादमी से, कि भारत की जितनी ये भाषाएं हैं, प्रमुख भाषाएं हैं, उनकी सूची हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में है, 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं पर जो भी पुरस्कार दें, इनके साहित्यकारों को प्रोत्साहन दें, वो तो ठीक है, भारत का पैसा सारी उसके लिए लगे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक विदेशी भाषा को भी उसकी साहित्य रचना, क्रिएटिव राइटिंग के लिए हम पुरस्कार दे रहे हैं उनके साहित्य का, जबकि उसके साहित्य का न हम रसास्वादन करते हैं, न हमारे काम के, उनको बढ़ाने वाले दुनिया में बहुत देश हैं, फिर भी हम वो पैसा क्यों लगाएं, हम अपनी भाषाओं को क्यों न दें। ये काफ़ी लंबी लड़ाई रही,
और मुझे दिखाया गया पंडित नेहरू ने ये फैसला किया था, वो इसके साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। तो कई बातें हैं, आप लोग जिस तरीके से कर्मठता के साथ ये इस गोष्ठी को आज ये चलाया है, अच्छा ये चीज़ नहीं, देखिए इसमें कितना मूल्य वो छिपा हुआ है, न केवल ये साहित्यिक रचना बल्कि साहित्य शास्त्र की भी रचना इसमें हुई है, दक्षिणी में साहित्य आलोचना भी है, और जिसे पोएटिक्स कहते हैं, पोएटिक्स के गुण भी आपको मिलेंगे तो दक्षिणी में मिलेंगे। पोएटिक्स के ऊपर बात करते हैं तो हमारे, आप दक्षिणी में देखिए, वजयी को लीजिए, वजयी के अभी जो बात कर रही थी, मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, वजयी ने कहा कि काव्य क्या है, शेर किसे कहते हैं, वो कहता है कहता हूँ तुझे पंद की एक बात, मैं एक बात कह रहा हूँ तुझे बहुत ही उपयोगी, कि है फायदा इस में, इस मने धात धात जो बेवक्त बोले तो बेतौल बेतौल पचीस, भला है जो यक बेत बोले सलीस। एक अगर 20 बात कहने के बजाय एक बात आप सही कहोगे तो वही सबसे बढ़िया है। फिर आगे कहता है, अगर फाम है शेर का तुझको छंद, चुने चुने लफ्ज ला होर माने बुलंद, चुने समापन में भी बोल रहा है। अच्छा समापन, चलो ठीक है। तो मुझे कहा गया, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो प्रश्न ये है कि जितना आप इसको ढूंढेंगे, इसकी गहराई में जितना जाओगे, दक्षिणी की जितना अध्ययन करोगे, उसी में आपको मोती मिलेंगे। और इन बातों के, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, बड़े धैर्य से शब्द से बैठे रहे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ, आयोजकों को भी। डॉक्टर पांचाल जी, इसलिए आपको समापन में विशिष्ट अतिथि हैं, आपको उसमें भी बोलना है। ये तो मैंने निवेदन किया था कटिमणि जी से, जो इस संगोष्ठी के, राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूह रवा हैं, और ये उन्हीं का प्रयास है कि आज हम लोग यहाँ दक्षिणी पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। तो मैं उस रूह रवा को, इस संगोष्ठी के, राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक अपने प्रिय मित्र प्रोफेसर तेजस्वी कटिमणि को निवेदन करूँगा कि वो आएँ और कुछ शब्द, क्योंकि ये चर्चा का अंतिम सत्र है, बाद में तो समापन होना है, जो एकेडमिक सेशंस हुए हैं दोनों, उसमें अपने कुछ विचार रखना चाहें या कुछ योजना, या जो हम लोगों ने कहा है, दक्षिणी का शोध केंद्र बनाएं, दक्षिणी भाषा पर कार्य करें, जो हमारी भावनाएं हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और साहित्य कोष बने, चेयर आए, जिसे दिलीप सिंह जी ने कहा, कई चीज़ें आई हैं, शोध केंद्र बने, चेयर बने, साहित्य कोष बने, इसका अध्ययन केंद्र बने, तो जाहिर है वो सब कुछ आपके नेतृत्व में ही हो सकता है, ये सब का हम तो कह ही सकते हैं, बाहर आपको वहन करना है। तो इस आशा के साथ कि हमारा जो रूह रवा, हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं हिंदी विभाग के डॉक्टर कट्टीमणि जी, उस वहन को स्वीकार करेंगे और हमारी भावनाओं को ज़रूर स्वीकार करेंगे और उसमें प्रयास भी करेंगे। आइए कट्टीमणि जी। नमस्कार, इस सत्र के अध्यक्ष महोदय मेरे परम मित्र प्रोफेसर अब्दुल अलीम साहब ने, वैसे अच्छा मौका तो दिया, लेकिन समय बिल्कुल बहुत कम है, आप हम सबको, हाँ समापन में कह सकता हूँ, बस इतना कहूँगा अभी दो दिन में आप सबों की जो बातें मैंने सुनी, कि लगा कि मैं कह रहा था अभी अपने डॉक्टर स्टार बैरागी साहब से, ये मुझे मालूम नहीं था कि मुझे, हम एक हिस्टोरिक काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि ये जो दक्षिणी यहाँ जो बोली जाती है, लिखी गई है, ये साझी संस्कृति का प्रतीक है, साझी संस्कृति का प्रतीक है। और जिस विश्वविद्यालय में हम काम कर रहे हैं, हमारी परवरिश जिस विश्वविद्यालय के कारण हो रहा है, कि हिंदी विभाग का ये परम कर्तव्य है, धर्म है, कि साझी संस्कृति को आगे बढ़ाए, उसको पाले पोसे, परवरिश करे, क्योंकि ये डर था हमारे विश्वविद्यालय में, हिंदी विभाग खुलेगा तो झगड़ा पैदा होगा, लेकिन जब खुला, हम चारों एक साथ आए,
तो कभी झगड़ा पैदा नहीं हुआ। वास्तव में छोटी मोटी जो आशंकाएं थी उसको दूर करने की कभी हमने बात नहीं की चारों ने, लेकिन हमारे काम हमारे प्रयास खुद इन शंकाओं का निवारण कर दिया। क्योंकि अब्दुल अलीम साहब हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर हैं, प्रोफेसर दिलीप सिंह साहब हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर हैं, जो सिलेबस बनी सिलेबस बन रही थी तो मैंने एक बात रखी, जो कुछ चाहे आप बनाइए, बहुत बड़े विद्वान विदुषियाँ ये सब हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, सिलेबस इस तरह का बनना चाहिए उर्दू सीखने वाले, उर्दू बोलने वाले, उर्दू लिखने वाले लोग भी हिंदी पढ़ सके, और साथ साथ उर्दू न सीखने वाले, उर्दू न जानने वाले लोग भी उर्दू साहित्य के प्रति, उर्दू भाषा के प्रति आकर्षित हो या जानने की आवश्यकता पड़े। इसलिए हमारे यहाँ नज़ीर अकबराबादी स्पेशल पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद उर्दू भाषा और साहित्य अनिवार्य पेपर पढ़ना ही चाहिए अनिवार्य पेपर यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। ये इस प्रयास के कारण है, और आप लोगों ने मेरे ऊपर हिंदी विभाग पर मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय पर जो जिम्मेदारी सौंपी है कि एक चेयर होना चाहिए या कुछ योजनाएं यहाँ होनी चाहिए, मैं विनम्र रूप से इस भार को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। हमारे वाइस चांसलर साहब आप सब जानते हैं, जो परिसर को एक बार आप देख लेंगे, आप देखने के बाद आपको लगता है कि यहाँ तो बहुत जादुई प्रगति यहाँ जो हुई है, ये हमारे लेजेंडरी वाइस चांसलर प्रोफेसर एम पठान साहब के कारण हुआ है। और कल ही मैंने शाम को किसी कारणवश उन्होंने बुलाया था, तो मैंने वो पूछ रहे थे क्या क्या बातें हो रही है, तो मैंने कहा कि इस तरह की बातें हो रही है, ठीक है इमीजिएटली प्रपोजल दे दो हम कर देंगे। अब एक साथ मैं इन्होंने मौका इस तरह का दे दिया कि बहुत सारी बातें मुझे, क्योंकि पीवीसी साहब हमारे साथ नहीं है, वो अपने अधिकारियों को बिठा कर बात करने से क्या होगा, मुखस्थिति होगी, मुखस्थिति, हाँ, इसलिए पठान साहब अब मैंने कहा कि हम आते ही हमने स्त्री विमर्श पर पिछले बरस सेमिनार के लिए प्रस्ताव रखा, तो UGC से मुझे 50,000 रुपये मिल गए थे, तो हमने कहा कि 50,000 आप दे दीजिए, तो 50,000 रुपये इमिजिएटली दे दिया। इस बार UGC से पैसा नहीं मिला था, फिर भी मैंने कहा कि 1,00,000 रुपये दे दीजिए। डीन होने के नाते 2-3 विभाग के प्रपोजल्स भी मैंने फॉरवर्ड किया, अपना भी 2-3 विभाग को उन्होंने 80,000 60,000 दे दिया, हमने मांगा कि 1,00,000 रुपये, बिल्कुल 1,00,000 रुपये हमें मिल गया। तो विश्वविद्यालय की परवरिश के बगैर, उसके सपोर्ट के बगैर, अधिकारियों के सपोर्ट के बगैर, अब अपने स्टेट के डॉक्टर इशार सुबह से शाम तक आज भी हमारे साथ हैं, पूरा अधिकारीगण हमारे साथ है, आप सब केवल यूनिवर्सिटी का सपोर्ट इसमें नहीं है, पूरे दिग्गज यहाँ जो दक्षिणी को लेकर प्यार रखते हैं, प्रेम रखते हैं, दक्षिणी में जो कृषि कर रहे हैं, दक्षिणी में जो काम कर रहे हैं, दक्षिणी में कविता कर रहे हैं, दक्षिणी में गद्य लिख रहे हैं, काम करवा रहे हैं, प्रोफेसर वेंकट रमण राव जैसे, प्रोफेसर सत्यनारायण जैसे, प्रोफेसर अवस्थी जैसे, सभी हमारे साथ हैं, आप सबका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहेगा, आपके मार्गदर्शन लेने लायक आशीर्वाद लेने लायक काम हम करते रहेंगे। इन बातों के साथ प्रोफेसर अब्दुल अलीम साहब से मैं गुजारिश करता हूं, आप अध्यक्षीय भाषण दे दें, उसके बाद आप सब से मैं प्रार्थना करता हूं, मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय की ओर से आप सब के लिए खाना तैयार है, मैं आपसे आमंत्रण निवेदन करता हूं कि इस अध्यक्षीय भाषण के बाद बाहर बस खड़ी हुई है, आप खाने के लिए प्रस्थान करें, उसके पहले अब्दुल अलीम साहब से मैं निवेदन करता हूं कि आप अध्यक्षीय भाषण पहले ही कर चुका हूं, मुझे नहीं मालूम था, मुझे उद्घाटक लिखा था, मैंने उद्घाटन किया और वो अपनी अध्यक्षीय भाषण के साथ साथ संचालन भी किया है, आपने मुझे इतना सुना है कि अब मैं नहीं सुनाना चाहता है ना, भारतीय भाषाओं के बारे में अब यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, शुरू में मैंने कहा था
मैं तो यही मानता हूँ दक्षिणी एक भाषा है, भारत की एक भाषा है, समृद्ध भाषा है, उसको पूरी तरह से प्रशर्य मिलना चाहिए। और जो हमारा प्रयास है, कट्टीमणि जी ने उसका इजहार भी कर दिया और कहीं तक हम सफल भी हुए कि साहब यहाँ पर एक चेयर खुलनी चाहिए, शोध केंद्र होना चाहिए, तो हमारी भावनाएं मुझे लगता है साकार होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसी भावनाओं के साथ मैं अधिक वक्तव्य न देते हुए यहाँ समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, खाने का सभी को इंतजार है। धन्यवाद।